हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियोस ऑफ एनएस एजुकेशन। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस आइकन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू गाइज। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो करंट अफेयर्स हैं 2018 साल के, उसका पूरा एक जो भी पूछे गए हैं उसका पार्ट फोर्थ है। इससे पहले चार पार्ट, तीन पार्ट इसके हम बना चुके हैं। एक पार्ट चौथा जो था जिसमें हमने जो विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटीज थी उनके जो कुलपति यानी कि वाइस चांसलर्स हैं उनके बारे में बताया था। ये वीडियो की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या यहाँ ऊपर आई बटन है, आई बटन पे जाके आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट करके आप बताएं कैसा लगा है आपको वीडियो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है, वर्ष 2017 में बाघों की सर्वाधिक मौत किस राज्य में हुई? तो वर्ष 2017 में जो बाघों की सर्वाधिक मौत हुई है वो ही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, ठीक है, उसके अनुसार लगातार दूसरे वर्ष, इससे पहले भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पे था और इस बार भी मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो 2017 में देश में टोटल 95 बाघ हैं, टाइगर्स हैं, जिनकी मौत हुई है। इनमें से अकेले 25 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। ऐसी सेम 2016 का जो रिपोर्ट आई थी उसमें 97 बाघों की मौत हुई थी, जिसमें 30 अकेले बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई थी। हालांकि इनका जो मौत का कारण है वो शिकार या इनका आपसी संघर्ष, कोई संक्रमण भी हो सकता है या ट्रेन से टकराते हैं, ये इनके कारण होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश एक टाइम पे सर्वाधिक बाघों वाला राज्य हुआ करता था, लेकिन 2010 में उसका स्थान किसने ले लिया है? कर्नाटक ने ले लिया, जहां आज की डेट में देश के सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2015 में कराई गई गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या थी वो 2010 के 257 से बढ़कर 2015 में 308 हो गई थी। ठीक है, लेकिन विगत 2 वर्षों में इनमें से कितने बाघ मर गए? 55 बाघ, 25 से मर गए, 35 से मर गए, तो टोटल 55 तो इसमें से मर गए, तो ये जो संख्या है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, अगर 2017 की राज्यवार मरने वाले बाघों की संख्या की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मरे हैं मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है इसमें आपका महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक में 15 है, उत्तराखंड में 15 है। ठीक है, बाकी ये डेटा जरूरी नहीं है, 25 और 17 आप महाराष्ट्र का याद रख लो, बाकी मध्य प्रदेश का अगर इंटरफेयर है तो मध्य प्रदेश के फैक्ट्स आपको याद रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर की मैगजीन लेके आया हूं मैं, करंट अफेयर आउटलुक। ठीक है, इसमें जनवरी 2018 का मैंने मैगजीन अपलोड कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप यहां से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो अर्धवार्षिकांक जो था, जो 6 महीने का जनवरी से लेके 2018 तक का बनाया था, वो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, और जुलाई 2018 का है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें मैं और कौन सी चीज इंक्लूड करूं, आप वो सजेशन मुझे मेरे मेल आईडी पे दे सकते हैं, मेरा मेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा विकसित समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, सूचकांक क्या होता है? आपका इंडेक्स होता है, ये अलग अलग इंडेक्स आते रहते हैं, तो ये नीति आयोग का इंडेक्स आया है देश के लिए, तो इसमें जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ये मध्य प्रदेश को हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, अब देखिए जो सूचकांक नीति आयोग ने विकसित किया है इसमें किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, नीति आयोग किस तरीके से एनालिसिस करता है, तो इसमें भूजल, जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, खेती के तरीके, पेयजल की व्यवस्था, नीति और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के 28 विभिन्न संकेतक, मतलब 28 ऐसे पहलू थे जिनमें जिनका एनालिसिस किया गया। इसके साथ 9 विस्तृत क्षेत्र इसमें शामिल थे, इनके हिसाब से फिर इसकी एक इंडेक्स निकाला जाता है, रैंक निकाली जाती है। तो इसमें मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आया है। पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यार इस पे गैर हिमालयी राज्यों की, देखिए यहाँ पे क्या है, हिमालयी राज्य और गैर हिमालयी राज्य दोनों अलग अलग एनालिसिस होती है, क्योंकि हिमालय के जो राज्य हैं वहां पे नदियां हैं, अलग हैं, ज्यादा हैं।
है। तो और इधर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नदियां क्या है, कम है, ठीक है। तो इसमें गैर हिमालयी राज्य जो है उनमें गुजरात गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश को दूसरा, आंध्र प्रदेश को तीसरा, कर्नाटक को चौथा और महाराष्ट्र को पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है। गैर हिमालयी राज्यों में झारखंड को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, और निचला स्थान सबसे सबसे लास्ट में, उसके बाद फिर उसके ऊपर हरियाणा, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश और उसके ऊपर बिहार है, ठीक है। तो जल प्रबंधन के मामले में ये जो स्टेट हैं आपके, इनका जो प्रदर्शन है वो सबसे ज्यादा खराब रहा है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ सौर ऊर्जा चलित इलेक्ट्रिक कार का शुभारंभ किया। देखिए ये सारे जो करंट अफेयर है वो ऑलरेडी जो हमारा करंट अफेयर आउटलुक है उसमें इंक्लूड कर दिया है, आप वो ले लें, डेफिनेटली आपको उससे काफी फायदा मिलेगा, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो देखिए सौर ऊर्जा चलित इलेक्ट्रिक कार जो है इसका जो शुभारंभ है ये कहां पर करा, भोपाल में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003 को पुनरीक्षित एवं बीमा मूल्य को दोगुना कर अंशदान का कितने प्रतिशत बचत निधि में और कितना प्रतिशत अंश बीमा प्रीमियम के रूप में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। तो जो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी, ओकेशनली ये बैठकें जो हैं, मीटिंग्स हैं, होती रहती हैं, तो इसमें जो कर्मचारी बीमा सह बचत योजना थी 2003 को, इसको पुनरीक्षित कर किया गया, ठीक है, और इसका जो बीमा मूल्य था उसको दोगुना किया गया। तो इसमें जो अंशदान है उसका कितने प्रतिशत बचत निधि में, तो बचत निधि में ये डाला गया है 60%, और अंश बीमा प्रीमियम के रूप में ये डाला गया है कितना, 40%। तो 60% और 40, दोनों चीज याद रखें। देखिए बचत निधि की बात करी जा रही है और अंश बीमा प्रीमियम की बात करी जा रही है, तो ये है आपका 60% और ये है आपका 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ 13 जून 2018 को किया गया, ये बिल्कुल फैक्ट सही है। योजना अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही विगत 1 मई 2018 से लाभ प्राप्ति हेतु पात्र होंगे, तो यही यहाँ पे जो फैक्ट है आपका गलत है। इसके अलावा हितग्राही अन्य योजना के लाभ से वंचित नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। चिकित्सा सुविधा हेतु आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये इसका जो ऑप्शन है, ये तथ्य जो है वो इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ नव निर्मित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है, तो ये किया है इन्होंने रीवा में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीवा में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नाम क्या है इसका पूरा, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। हाल ही में किसे संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो संतो काबा मानवतावादी जो पुरस्कार है वो दिया गया है नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो अवार्ड दिया है किसने दिया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिया है, तो एक अवार्ड दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को, और दूसरा दिया गया है इसरो के, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है हमारा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर किरण कुमार को, इनको ये संतो काबा है वैसे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है, उनको ये पुरस्कार समाज के सुधार में उनके योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है रामकृष्ण फाउंडेशन जो है उसके द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, और इसमें पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ रुपए की राशि और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो मध्य प्रदेश के जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको ये अवार्ड मिला है डॉक्टर किरण कुमार के साथ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु कितनी राशि ग्रहण को मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। तो ये है आपका 375 मिलियन डॉलर, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी एग्जाम में हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है, तो व्यापम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंदसौर जिले में स्थित 2 सिंचाई परियोजनाओं को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई, इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए मंदसौर जिले की जो शामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हेतु 1662 करोड़ 47 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति
प्रदान की गई है। अमाउंट याद रखें, ये अमाउंट डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। वो कौन सी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है आपका, ये कहाँ का, शामगढ़ सुभासरा, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत 260 ग्रामों की 90,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। तो यही जो फैक्ट है ये यहां पर गलत है, क्योंकि सही कितना है, ये है आपका 80,000 हेक्टेयर भूमि, कितने गांवों की, 260 गांवों की 80,000 हेक्टेयर भूमि से सिंचित होगी। भानपुरा नहर परियोजना हेतु 268 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई, ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। भानपुरा कहां पर है आपका, मंदसौर की एक तहसील है, ठीक है। कल के वीडियो में ही हमने जो एमपीजी के डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको भानपुरा के बारे में बताया था। यहां पे हमने किसके बारे में बात करी थी, सीता खरदी के बारे में हमने यहां पे बात करी थी। एक आर्कियोलॉजिकल साइट है मध्य प्रदेश की, जहां पे जो प्री हिस्टोरिक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पेंटेड रॉक शेल्टर्स यहां पे मिले थे, रॉक शेल्टर्स, ठीक है ना, शैलाश्रय जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। दोनों परियोजनाओं के तहत कुल 93,354 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो सिंचित होगा। ये सारे फैक्ट्स आपको यहां पे याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की आयुष्मान भारत योजना शुरू की जाएगी, इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। यह योजना प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से शुरू होगी, इफेक्ट बिल्कुल सही है। योजना अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय जनगणना के आधार पर वंचित श्रेणी के 68 लाख परिवारों को शामिल किया गया, तो ये फैक्ट यहां पे गलत है, क्योंकि ये कितने परिवार हैं, ये हैं टोटल 84 लाख परिवार। दूसरा फैक्ट क्या है, योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के परिवारों और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के पात्र लाभार्थी परिवारों को भी प्राप्त होगा इस योजना। अच्छा, ये क्वेश्चन है, जैसे पटवारी में लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, तो पटवारी के एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो वहां पे इसी टाइप की चीजें पूछते हैं कि योजना का जो लाभ है वो इनमें से किसे मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस योजना में शामिल परिवारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा। ये अमाउंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमाउंट सबसे ज्यादा। अमाउंट्स अगर हम किसी भी योजना की बात कर रहे हैं तो योजना की जो डेट है उसका अगर कोई अमाउंट है, कोई राशि है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और परिवार, नंबर ऑफ परिवार जो है, नंबर ऑफ फैमिलीज जो है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में कृषि एवं मनरेगा के संबंध में नीति आयोग की उप समिति की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई, ठीक है। तो ये आयोजित हुई है शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, ठीक है, याद रखें शिवराज सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, उदयपुरा समूह नल जल योजना के अंतर्गत 107 गांवों में किस नदी से जल की आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। कितने गांव हैं, 107 गांव हैं, तो इसमें जो जलापूर्ति की जाएगी ये करी जाएगी नर्मदा से, ठीक है। और ये उदयपुरा है कहां पे, ये आता है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। तो करीब 330 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण यहां पे 6 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था। हालांकि अब ये पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं मध्य प्रदेश के, अब जो नए मुख्यमंत्री हैं वो बन गए हैं कमलनाथ। दोस्तों कमलनाथ का एक वीडियो मैंने बनाया था, वो आप जरूर देखें, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कमलनाथ के उसमें जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनमें डेफिनेटली आपको वहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। अभी रिसेंट में कल या परसों में ही वो वीडियो मैंने बनाया था। अगला है, वर्ष 2014-15 के लिए कविता लेखन के क्षेत्र में किसे राजकवि भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है निवास श्रीनिवास हवलदार को, ठीक है, श्रीनिवास हवलदार को। 4 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश का जो संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री है, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार होता है, हालांकि अभी पूर्व हो चुके हैं तो इनके नाम याद रखना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि अब जो नया कैबिनेट बनेगा उसके नाम याद रखना जरूरी है। व्यापम में काफी प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, तो जैसे ही कैबिनेट बनती है वैसे ही मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है मराठी कृतियों के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, जो मराठी भाषा का जो लेखन होता है, मराठी साहित्य होता है, उसके लिए दिया जाता है। और संस्कृति विभाग की जो मराठी साहित्य अकादमी है उसके द्वारा स्थापित पुरस्कारों की घोषणा पहली बार करी गई है, ठीक है। तो ये याद रखें राजकवि भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार इसका सही मतलब
आंसर सही क्या है? श्रीनिवास हवलदार। तो गाइज ये थे हमारे पूरे प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अप्रिशिएट करें, आपका अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमें मोटिवेट रखने के लिए। अगर आप इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। थैंक यू।